राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन ने कहा है कि पिछले एक साल से बल्लेबाजी में उनकी टाइमिंग अच्छी है, लेकिन अब वो तब तक काफ़ी निराश हो गए थे जब उनके कई नए प्रयोगों को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। 25 साल के सैमसन ने मौजूदा आईपीएल की पिछली दो पारियों में आक्रामक 74 और 85 रन बनाए। उन्होंने कहा कि मैं एक साल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। मैंने कई चीज़ें आजमाई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसके बाद काफ़ी आत्ममंथन किया और खूब मेहनत की। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ बड़े स्कोर वाले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे सैमसन ने कहा कि मैं पिछले साल से ही अच्छी तरह से हिट कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी मनोदशा में हूं और अपने खेल में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहता हूं। मैंने ये हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैंने खुद से कहा कि मेरे पास इस शानदार खेल में 10 साल और हैं और मुझे इन 10 सालों में सब कुछ झोंक देना है। दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन के फ़ैन हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने राहुल तेवतिया की एक ओवर में 5 छक्कों से सजी तूफानी पारी की जमकर प्रशंसा करते हुए रविवार को पंजाब के खिलाफ दर्ज की गई रिकॉर्ड जीत को विशेष करार दिया। किंग्स इलेवन ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर मयंक अग्रवाल के शतक से 2 विकेट पर 223 रन बनाए थे, लेकिन रॉयल्स ने 6 विकेट पर 226 रन बनाकर आईपीएल में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बना दिया। उसके जीत के नायक सैमसन और तेवतिया रहे। तेवतिया ने शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच का पासा ही पलट दिया था।